अब लोग भैया देखा तो साफ सफाई में खुदा बगदा सहयोग कर रहे हैं, बहुत जने तो अपना घर भैया तूड़े डाल रहती है, खुदा का करें भैया खिसकाए लेती हैं, और कुछ जने तो बगदा पल्ला वल्ला बचावे के लिए ईट वीट हटावे के लिए सब निकाले लेती हैं, क्योंकि प्रशासन का बुलडोजर चलेगा तो भैया देखो ना पल्ला बची है ना ईट बची ना सरिया बची, सब बगदा निस्तानाबूत हो जी, जमीन दोष हो जी। तो उसे बचावे खातिर लोग बगदा खुदा देखा तो दरवाजा ईंट पल्ला सरिया अपने हिसाब से निकाले दी जाती है। इस दरमियान तनिक सुनो भैया विजय कुमार त्रिवेदी जी का कहना है, एसडीएम साहब मौके पर पहुंचे ना बताओ था कि देखो भैया ऐसा है 25 मीटर परिधि ली जा रही है। इस दरमियान डूडा अधिकारी सौरभ त्रिपाठी भी दिखाई दे रहा है। अभी तक हम लोगों ने सभी मकानों को चिन्हित कर लिया जो किनारे बने हुए थे, 25 मीटर जो हमारा इसका एरिया है उसको लेना है, 20 मीटर की खुदाई करनी है। हमारे पास अभी तक जो पूरा हमने जो नपाई कराई है उसके अंतर्गत 43 ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनको पूरी तरीके से शिफ्ट करना है, तो हम लोगों ने काशीराम आवास खाली करा लिए हैं, जो लोग नहीं रह रहे थे उन्हीं का खाली कराया गया है, और बाकी जो आंशिक रूप से हैं उनका किसी का 1 मीटर जा रहा है किसी 2 मीटर, वो लोग स्वयं इस मामले में सहमत हैं कि हम 1-2 मीटर अपना गिरा लेंगे या उसी में रहेंगे, हम वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे। इसमें जो बाढ़ खंड की तरफ से जो बनाया गया है उसमें यह है कि 20 मीटर की अगर खुदाई हो जाए 20 मीटर का बेड हो जाएगा और 2.5-2.5 मीटर इधर हो जाएगा तो ये इससे पानी पूरा निकल जाएगा, अगर ये स्थिति होती तो पिछले सर बाढ़ नहीं आती है। अब एसडीएम साहब की बात सुनिए आपने भैया, पिछली बार की तरह स्थिति दोबारा ना हो, बाढ़ की स्थिति दोबारा ना बने, इसके खातिर देखा तो बहुत तेजी से साफ सफाई का अभियान चल रहा है, चौड़ा किया जा रहा है नाले को, वापस से नदी बनाई जा रही है, और 25 मीटर की परिधि में जो कोई मकान आ रहा है भैया ऊपर बगदा बुलडोजर चल रहा है, और बहुत जने तो भैया अपना घर खुद ही खाली कर देते हैं, बहुत जने भैया अपना सामान वामान पल्ला वाला सब हटाए भी लेते हैं, और जो कोई अधिक्रमणकारी हैं जो बगदा भाव नहीं मान रहे तो प्रशासन देखो बहुत एक्शन में दिखाई दे रहा, आज नहीं तो कल बुलडोजर चली है, तो ऐसा है खुद ही समेट लो तो ज़्यादा फायदा रही है, समेटी हो तो बुलडोजर तो ही बेकरी है, बाकी हम टीका टिप्पी ज्यादा नहीं करेंगे। इस दरमियान भैया देखा तो नगर कोतवाल जय कुमार त्रिपाठी भी दिखाई दे रहा है, जगत राम कनौजिया जी भी रहा है, सीओ साहब बाकी दूसरी खबर देख लो। अब अखिल बार जहाँ जहाँ पानी बरसे भैया प्रशासन बहुत अलर्ट दिखाई दे रहा है और भैया बाढ़ से निपटने के लिए बहुत तैयार दिखाई दे रहा है। बाराबंकी के डीएम सत्य कुमार जी बहुत एक्शन में हैं, हम कह लो तनिक आपका बता दें कि बाराबंकी जिले के फतेहपुर की थाना पड़जाती मोहम्मदपुर खाला, यहाँ पर देखा था बाढ़ चौकी का, बाढ़ राहत शिविर केंद्र का और बाढ़ प्रभावित संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए डीएम सत्येंद्र कुमार जी अश्विनी दिनेश कुमार सिंह जी स्वयं पहुंचाती हैं, बाढ़ राहत से भैया बचाव के लिए और बाढ़ राहत सामग्री तमाम चीज़ों को लेकर के संबंधित अधिकारियों का आवश्यक दिशा निर्देश दिए रहे हैं डीएम सत्येंद्र कुमार जी। हम कह तो आपका बता दें कि देखो भैया बाढ़ आवे मानसून आवे उससे पहले बाराबंकी का प्रशासन बहुत एक्शन में दिखाई दे रहा है, बाकी आपकी कार्यक्रमण कीजिएगा, दूसरा खबर देख लो। अब यू बहुत नहीं काम करें कांग्रेस वाले, हम कह लो तनिक आपका बता दें कि बाराबंकी जिले के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच करके सब जिन्हें भैया जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजी अपना पत्र भेजी है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि देखो साहब ऐसा है नीट परीक्षा के प्रकरण में जो हम दोषी हैं उनका बखदा पकड़ा जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए और पेपर लीक का लेकर के कोनो कानून बनाया जाए, जब देखो तो पेपर लीक हो जाती है, सिकंदर अब्बास इसे बखदा लिख करके अप्लीकेशनहीन है और महामहिम जी का भेजी है जिलाधिकारी के माध्यम से, देखो कहा होती है। हम कल तक आपका बता दी, इस दरमियान भैया देखा तो तमाम कांग्रेस नेता दिखाई देता है, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया बालाजी ग्रुप ऑफ स्कूल वाले ई बकदा अंकुर माथुर जी बहुत नीक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, आपका बता दी कि देखो ई बकदा हर बार रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं बाराबंकी के जिला अस्पताल में, आपकी बार फिर से करीन है, इसका उद्घाटन करे खातिर देखा थी हो राज्य मंत्री सतीश शर्मा जी आवती है, बढ़िया फीता काट करके उद्घाटन करती हैं, इसके बाद अंकुर माथुर देखा था रक्तदान भी करती हैं, इनके साथ तमाम भैया सहयोगी और रक्तदान करती हैं, बहुत नीक बहुत बढ़िया काम करें। इस दरमियान देखा था बकदा अंगद सिंह MLC साहब भी दिखाई देता है, बाकी आपकी कार्यक्रमण कीजिएगा, दूसरा खबर देख लो। अब आज तो भैया जेठ माह का शनिवार है, कहा बात है बाराबंकी जिले में जगह जगह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस दरमियान देखा तो अरविंद सिंह गोप जी बढ़िया प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, इधर देखो भैया नगर पालिका चेयरमैन शीला सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, सुरेंद्र चचा रहे हैं, सब जने बकदा मिलकर के प्रसाद बांटते हैं, बजरंग बली का आशीर्वाद लिया रहे हैं, बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा, दूसरा खबर देख लो। अब अखिलेश तो बढ़िया देखा तो मीठी खीर खाते हैं, कहा बात है, हम कल तरीका आपका बताइए कि मीठी खीर हो रहा है भैया, छोला चावल हो रहा है और छोला पूरी भी रहा है, बाराबंकी जिले के बड़े बाबा के दरबार में खुटवा धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया हुआ रहा है, आंटी बढ़िया पूजा अर्चना करती हैं, स्वर्गीय विनय दास जी का याद करती हैं, उसके बाद देखा तो बढ़िया विशाल भंडारे की शुरुआत होती है। इस दरमियान अखिलेश देखा AB News 24 की ओर से छोला चावल बढ़िया तमाम चीज़ें बांटते हैं, कहा बात है, और इधर मैं देखा तो संजय भी दिखाई देते हैं, फोटो खिंचा रहे हैं संजय, ओ इधर देखो सत्या भी दिखाई देते हैं, तमाम लोग उपस्थित रहे व्यवहारी हो, और देखो हम हन मीठी खीर खाए खाते रहो का, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शंबा साहब जी को सब मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा देना, हम कह लो तरीका आपको बता दी कि देखो भैया ऐसा है कटवा धाम विशाल भंडारे का आयोजन क्या कर रहे हैं।